नमस्कार, मैं हूँ देवांशी प्रजापति और आपका स्वागत है दी ऑर्डरिंग में। खाने का तेल होगा सस्ता, टैक्स कटा सकती है सरकार, कृषि बुनियादी ढांचा और डेवलपमेंट सेक्टर को कम करने की है तैयारी। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, एक उत्तराखंड से और दूसरे मुंबई हाईकोर्ट से आएंगे दिल्ली। भीषण मार्च और अप्रैल के बाद गर्मी की कार्य योजनाओं को लागू करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी सलाह। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन पैनल, कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो सीटें, विधानसभा में विस्थापित हुए POJK के लिए नामांकन। मॉडल की वैधता और डेटा संग्रह की कार्य प्रणाली है संदिग्ध, WHO ने कोविड की मौतों की रिपोर्ट पर भारत। UNSC के सामने भारत ने यूक्रेन के बुचे में लोगों की हत्या का उठाया था मुद्दा, स्वतंत्र जांच का किया था समर्थन। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए 9 महीने से पहले COVID-19 एहतियाती खुराक की सिफारिश, बैठक में NTAGI ने रखा प्रस्ताव। ऑनलाइन हो सकेगी PhD और MPhil की मौखिक परीक्षाएं, UGC ने विश्वविद्यालयों को इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया है निर्देश। राजनाथ सिंह बोले, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की है जरूरत। जेनेरिक दवाई नहीं लिखे जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 2020 में मरने वाले 45% लोगों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, RGI की रिपोर्ट से सामने आई बात। पावर क्राइसिस, रेलवे ने 42 यात्री ट्रेनें रद्द की, कुछ को जल्द ही बहाल किया जाएगा। रणनीतिक रिश्ते और प्रकट करेंगे भारत और फ्रांस, दुनिया में खाद्य संकट की चुनौती पर साथ लड़ेंगे दोनों देश। प्रवर्तन निदेशालय ने PSU कंपनियों को घटिया कोयले की बिक्री से जुड़े मामले में आरोप पत्र किया दाखिल। 9 और 10 मई को भर्ती परीक्षा के लिए 65 विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे, उम्मीदवारों ने घर से परीक्षा केंद्र दूर होने का उठाया था मुद्दा। उर्दू पत्रकारिता में शोध के लिए IIMC और MANUU करेंगे मिलकर प्रयास, MOU पर हुए हस्ताक्षर। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, 15 सितंबर तक कर सकते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन। RSS कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच की याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने किया खारिज। स्पाइस जेट के उड़ान में टर्बुलेंस के बाद DGCA ने उठाया कदम, देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर शुरू किया औचक निरीक्षण। PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स, PLI योजना के तहत ड्रोन उद्योग से दूसरे दौर की आवेदन आमंत्रित किए।